सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग माफिया। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बनाने वाले स्मेल्टर, ऑटोमेटिक स्मेल्टर, जो कि बहुत फास्ट होगा, सारी ओर्स बहुत जल्दी स्मेल्ट कर देगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हम मौजूद अपने अंडरग्राउंड बेस में, जहाँ पे हम अभी पूरा होने वाला है ये बेस थोड़े ही टाइम में, ये देखो गाइस। और ये हमारा स्मेल्टिंग रूम, जहाँ पे हम ऑटोमेटिक स्मेल्टर बनाने वाले हैं। तो मैं आपको उसके लिए इंग्रेडिएंट्स, मतलब सामान क्या चाहिए वो बता देता हूँ। आपको चाहिएंगे 2 माइनकार्ट विथ चेस्ट, 1 2, 1 रेडस्टोन लैम्प, 1 लेवर, 2 रेडस्टोन टॉर्च, और 4 और 3 7 फर्नेंसेस, और 22 आई थिंक सो 22 हॉपर्स, और कोल, और जो आपको स्मेल्ट करना हो वो, और रेल, सिंपल रेल और पावर रेल्स, बस यही चाहिए आपको। लेकिन बस हॉपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए, बाकी सब कुछ इजीली बन जाएगा आराम से। तो चलिए इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है ये फार्म। आपको क्या करना है, पहले अपने साथ के साथ फर्नेंसेस यहाँ लगा दीजिए ऐसे, 1 मिनट, अरे गलत लगा दिया, 7 के 7 फर्नेंस लगाने हैं आपको यहाँ पे। आप कम भी लगा, अगर आपके पास हॉपर का जुगाड़ नहीं हो पाता आयरन का, तो आप 5 वाला बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम एफिशिएंट होगा। मेरे पास हॉपर का जुगाड़ हो गया था, इसलिए 5 मैंने 7 वाला बना लिया है। और अब हमें क्या करना है, पहले तो ये तोड़ दूँ, बाद में लगा दूँगा दोबारा से। ओके, अब आपको करना क्या है ना, देखो ये जो हॉपर है ना, ये हॉपर लेके इस साइड को लगाने हैं पहले ना, यहाँ पे इसको भी क्लियर कर देता हूँ। और 2 चेस्ट एक्स्ट्रा और चाहिए, मैंने 2 चेस्ट इंक्लूड नहीं किए उसमें, मेरे को 2 चेस्ट और बनाने होंगे। ओके, दो यहाँ पे ये लगा दिया, फिर गेट खोल दिया, ठीक है। ये यहाँ से हॉपर, 1 मिनट, नीचे को दो, अरे कूद जाना। ये देखो चेस्ट को करते करते आपको चेक करना है कि ये हॉपर इसमें कनेक्टेड है कि नहीं है, और ये सारे कनेक्टेड होने चाहिए, तभी आपको फार्म वर्क करेगा। 1 मिनट ओवर लग गया, ऐसे हॉपर लगाते जाओ नीचे। ओके, सब पे लग गए, वो एक टूट गया नीचे वाला, यार गलती से ये लग गया। अब आपको ऊपर जाके एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि ये हॉपर सारे के सारे उस साइड में लगे हों। ओके, सारे सही हैं। ओके, अब हॉपर लगाने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सारे देख लेना ये फर्नेंस के अंदर हो, मतलब फर्नेंस को पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। और एक लगाना यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। 2 ऊपर बच गए, अब 2 ऊपर का भी काम होएगा, बचेंगे नहीं इसमें, दबा दब लगेंगे, ठीक है। ये हो गए, एक और यहाँ लगाना भूल गए, वही मैं कह रहा है, 2 कैसे बच गए, 1 बचना चाहिए था। अब रेल लाइन ले लो अपनी, और रेल कार्ट ले लो, मतलब पावर रेल और सिंपल रेल। यहाँ पे लगाओ, एक लगाओ यहाँ पे, एक लगाओ यहाँ पे, ऐसे लगाते जाओ। अरे ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी आएगी लेकिन कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। ये ना एक लाइन पहले करना, फिर एक लाइन करना, तभी हो पाएगा। पहले एक लाइन लगाना, फिर उसके बाद दूसरी लगाना, ये ऐसे, और ये यहाँ पे लगा के, और ये की यहाँ पे लगा के, समझ गए। दोनों एंड्स पे लगानी है आपको पावर रेल, ताकि वहाँ पे रुके ना काट और चलती रहे काट। ये हो गया,
अब आपको क्या करना है ना, ये यहाँ पे तो आ जाएगा वो रेडस्टोन लैम्प, और यहाँ पे आएगा एक ब्लॉक, यहाँ पे आएगा एक ब्लॉक, इसके नीचे वाला ब्लॉक तोड़ के इसमें लगा दो रेडस्टोन टॉर्च, ये रही रेडस्टोन टॉर्च, ऐसे इसमें करना, इसके नीचे वाला ब्लॉक तोड़ के यहाँ पर लगा के इसके ऊपर ब्लॉक लगा दो ताकि माइनक्राफ्ट नीचे ना गिरे। ये तो हो गया है, अब यहाँ पे लगा दो रेडस्टोन वो लैम्प, रेडस्टोन लैम्प लगा के, और एक चेस्ट और चाहिए, इसको तोड़ लेते हैं। अब सारे इसी चाहिए थे आइटम। अरे यार चलो कोई नहीं, एक चेस्ट और चाहिए आपको गाइस, वो चेस्ट में बता देता हूँ आपको कहाँ लगाना है। हॉपर और चेस्ट लगाना होगा यहाँ पे, हॉपर, एक मिनट कहाँगे, हॉपर क्राउच करके रेल के ऊपर हॉपर लगा दो, यहाँ पे लगेगा, और इसी के ऊपर चेस्ट लगा दो, इसमें भर दो कोल जितने भी आपके पास हैं, मतलब जितने भी आपको देने हैं स्टोन नहीं। ओके, और इसके नीचे लगा देना माइंड कार्ट विद चेस्ट, या माइंड कार्ट विद हॉपर भी ला सकते हो, हॉपर महंगा पड़ेगा, एज योर चॉइस। और यहाँ पे लगा दो सिंपल माइंड कार्ट विद चेस्ट। ओके, ये फार्म रेडी हो चुका है लगभग लगभग। अब आपको करना है कि एक लेवर लगाना है, लेवर कहाँगे, ये लेवर लग गया यहाँ पे, और इसको ऑन करके एक बार चेक कर लेना कि पीछे वाले चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे इसकी, क्योंकि कभी कभार पीछे वाले चलते नहीं हैं। एक मिनट आगे, सो ओके गाइस, ये देखो यहाँ से ये आपको बस लैम्प लगा के इसको वो पावर रेल के नीचे लैम्प लगा के और लेवर वो करना है, हटाना है, मतलब लेवर लगाना है सॉरी, और ये ऊपर वाला कर, ऊपर करोगे तो ये वो लाइट बंद हो जाएगी, और ये देखो पावर रेल बंद हो गई ना दोनों, और नीचे करोगे तो पावर रेल चालू हो जाएगी। ओके ठीक है, अब आपको करना क्या है ना, पहले इन माइनक्राफ्ट का, अरे माइनक्राफ्ट का चेस्ट बना लो, और इनको एक बार हॉपर्स को ना चेक कर लेना, देखो इसमें रेल फंसी हुई है, क्योंकि इसमें कुछ भी फंसा हो सकता है, मतलब आपने जो तोड़ा होगा, तोड़ी फोड़ी करोगे तो जैसे मेरे जैसे, तो इसमें कुछ भी फंसा हो सकता है। नीचे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले चेक करने हैं क्योंकि वहाँ पर तो रेल है, इसके नीचे जो हॉप वो फंडेंस के नीचे उनको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको चेक करना है मेन। तो ये देखो इसमें भी भरी हुई है, ये देखो चेस्ट, पता नहीं क्या कूड़ा भर देते हैं। ओके, इनमें पाएगी नहीं, होगी नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, तो हमारा फार्म बन के रेडी है, बस हमें इसको स्टार्ट करके, आप मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। कोल तो शायद से सब में पहुँच ही चुके होंगे, कोल हैं इसमें, अरे इसको भी तो पीछे करना है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, एक मिनट, ये मेरा ऊपर दे, ऊपर ने ऊपर ले लिया, लॉक इसके ऊपर, चेस्ट के ऊपर हटना तू, इसके ऊपर रेल के ऊपर ये लगा के चेस्ट लगा दो, डबल चेस्ट लगाने की कोई जरूरत तो है नहीं वैसे भी, क्योंकि हॉपर आपने 50, ओ हॉपर कह रहा हूँ कोल, आपने 50-60 स्टैक तो डालने हैं नहीं इसमें, तो यहाँ से डाल दो कोल, कोल है मेरे पास, कोल तो है नहीं, क्योंकि कोल पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, दो कोल है डॉल, अच्छा पोचा हुआ है इसमें ही है सिर्फ, सारा सारा का सारा इसी में ठूस दिया, एक इसमें भी है, एक इसमें से भी निकाल लो, और तीसरे में नहीं है, ओ रेल है डॉल इसमें, इनको भी चेक कर लेना गाइस, हाँ मैं बताना भूल गया था, इनमें भी चले जाएगा सामान। ओके क्या हो गया, मतलब बस अब कुछ नहीं करना, अब इसको स्टार्ट करना है हमें, और वी आर गुड टू गो, अरे चढ़ जा, चेस्ट कहाँ गया, अरे चेस्ट अच्छा वहाँ रख दे, अरे मैं भी ना, ओके ये चेस्ट ठीक है, हो गया काम हमारा अब, अरे इसको यहाँ पे रेल काट के यहाँ पर रखो, और इसमें भर दो कोल सारे के सारे, जितने आपको भरने हो, जितनी आपकी मर्जी हो,
इक्वल जाएंगे सब में, और हाँ ये गारंटी है मेरे। और यहाँ पे चेस्ट रख दो, माइंड का चेस्ट, और उसमें भर दो जो आपको स्मेल्ट करना हो। अभी मेरे पास आयरन तो है नहीं स्मेल्ट करने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ स्टोन ही स्मेल्ट कर लेता हूँ, एक स्टैक करूँ और भी कर लेता हूँ, काम आएंगे बाद में। ओके अब आपको कुछ नहीं करना, ये स्टार्ट करना, ये देखो नाइस। इसमें क्यों नहीं गया, इसमें क्यों नहीं गया, ए इसमें कौन डालेगा, अब इसमें क्यों नहीं जा रहा, कोल तो जा रहा है, इसमें क्या फंसा हुआ, कुछ भी नहीं फंसा हुआ। अब इसमें तो डाल दे, अब पागल है ये, देखो गाइस सब में नॉन हो गए हैं, इक्वल जाते हैं सब में हमेशा, देखो ये पागल है माइनक्राफ्ट, इसमें नहीं डाला पागल। देखो गाइस आ गए 12 आ गए, कितनी जल्दी स्मेल्ट हो रही है। आयरन भी मैंने स्मेल्ट कर रहे हैं, पहले कर लेते, मैंने दिमाग नहीं लगाया कि इसमें कर लेता। एक माइनक्राफ्ट क्यों बची है मेरे पास, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ी तो की नहीं है। एक माइनक्राफ्ट एक्स्ट्रा बनाई थी क्या मैंने, अच्छा हाँ एक माइनक्राफ्ट इसमें फंस गई थी, तो मैं दूसरी बना के लाया था पहले, नहीं नहीं पहले तीन बना के लाया था, सॉरी। ठीक है गाइस आज का हमारा काम हो गया है, और हाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना मत जाइएगा। और हाँ अगर आपको गोल्ड फार्म देखना है तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं गाइस आप, मैंने ओपी वाला गोल्ड फार्म बनाया था जिससे गोल्ड मिलते हैं 64 या 5 स्टैक गोल्ड इन 10-20 मिनट्स, 10-15 मिनट्स, और 35 XP लेवल्स मिलते हैं इन 6 मिनट्स, यस गाइस 6 मिनट्स में। और अगर आपको वो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा गाइस। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले गेमिंग एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।